दोस्तों, मेरा नाम आदित्य और मैं आप लोगों के सामने आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का चैप्टर 11.4 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये क्रैश कोर्स है, मतलब कि ये रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, जो कि नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है पेपर। तो अगर आप ये लोग वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा बोर्ड में। तो चलिए, रिपीट हो जाएगा जो जो भूले बिसरे हैं। तो आप लोगों को मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप लोगों का बेसिक पूरा तगड़ा है, हम बस ये क्रैश कोर्स है, मतलब कि ये रिवीजन वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर जी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बता देता हूँ बेसिक से ही। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब ये होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हम लोगों ने जैसे साइन थीटा इक्वल टू कुछ भी पढ़ा, जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन को जब उधर उठा के फेंक देते हैं तो थीटा का मान मिल जाता है हमको साइन इन्वर्स एक्स। ऐसे हमको इसी को पढ़ते हैं इन्वर्स फंक्शन, इसी को क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है सर जी। कुछ फार्मूले हैं, सबसे पहला फार्मूला ये होता है कि जैसे अगर मैं कह दूँ कि भैया साइन थीटा बराबर मान लो 4/3 दिया, 4/3 नहीं 4/5 दिया, क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है वो 1 से छोटा होता है। देखो 4/5 है। अब मैं अगर यही चीज़ कह दूँ कि अगर साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण। तो लंबटे कर्ण पाइथागोरस के प्रमेय से अगर ये 90 डिग्री है तो ऊपर वाला क्या होगा, कर्ण, इधर क्या होना लंब और जी बचा क्या होगा, आधार होगा। साइन थीटा बराबर लंबटे कर्ण, अर्थात लंब का मान कितना है 4, लंब का मान हो गया 4 और कर्ण का मान हो गया 5। सर जी, आधार का मान कितना होगा, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, मतलब 25 - 16। तो 25 में से 16 गया कितना होता है भैया 9, 25 में से 16 गया 9 और 9 का कितना आएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 3। तो मतलब अगर हम कॉस थीटा का मान अगर निकालें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना निकल गया 3 और कर्ण का मान कितना हो गया 5। सर जी, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम कितना फार्मूला याद कर पाएंगे सर जी, कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 1, 2, 3, 10 याद कर लेंगे सर जी, कुल थोड़ी ना याद कर पाएंगे। बट ठीक है बाबू, देखो अगर साइन थीटा के बराबर अगर मैं पूछ लूँ एक्स है, तो अगर मैं वही कॉस थीटा का मान पूछूँ तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर जी साइन इनवर्स एक्स, मतलब उठा के फेंक देंगे तो इनवर्स हो जाता है। अब वही पूछेंगे सर जी तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। अब जैसे हमने जैसे हमको जो क्वेश्चन दिया कि साइन इनवर्स, मान लो ऐसे करके क्वेश्चन दिया कि साइन इनवर्स 2/3 का एक्स बराबर साइन इनवर्स 2/3 है, तो पूछेगा कि कॉस इनवर्स का मान कितना होगा भैया, कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, साइन थीटा उधर उठा के फेंक देंगे तो ये हो गया मेरा साइन एक्स इक्वल टू 2/3। अब साइन कॉस थीटा का मान ले आएंगे तो कॉस एक्स का मान निकलेगा। अब एक्स का मान मुझे नहीं पता चल गया, अब कॉस के पद में क्या होगा, उठा के उधर ही फेंक देंगे तो हमको कॉस का मान मिल जाएगा। अब ये समझ में आएगा, थोड़ा धीरज रखो। देखो सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस करते हैं कि जितने भी फार्मूले होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वो क्या क्या है। नंबर एक, अगर हम कह दें कि साइन इनवर्स एक्स को हम कॉसेक के पद में अगर लिखना चाहें तो कॉसेक इनवर्स क्या होता है, इसका 1/2 उल्टा हो जाता है, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर मैं कॉस का पूछूं कि सर कॉस इनवर्स एक्स का होगा, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, मतलब जस्ट इसका क्या करते हैं हम 1/2 कर देते हैं, चाहे इसका पूछूँ तो इसका, इसका पूछूँ तो इसका। सर जी, अगर टैन का पूछूं तो टैन इनवर्स एक्स का हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। अगर वही पूछ लूँ कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो वो सिंपल सी चीज़ है, टैन इनवर्स 1/x हो जाएगा, हम पलट देंगे, ठीक है। सर जी, ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है, जैसे हम लोगों ने जब छोटे क्लास में पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा का मान कितना होता है, तो होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। लेकिन अब हम इनवर्स की बात करते हैं तो क्वेश्चन दे देगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान कितना होगा गुरुजी, ठीक है, कॉज इनवर्स माइनस एक्स का मान और कॉट इनवर्स के एक्स का मान कितना होगा। तो जब हम उस मैथमेटिक्स में पढ़ते थे जो क्लास 11-9 से लेकर, उसमें हम यही हम पढ़े हैं सर जी, साइन माइनस थीटा टैन माइनस थीटा और कॉस कॉसेक, हम केवल 3 लिख रहे हैं, कॉस सेक, ठीक है, 2 चीज़ लिख रहा हूँ। तो कॉस और सेक एक ऐसी वैल्यू है कि जो माइनस होता है ना, ये प्लस दे देते हैं, इसका आंसर क्या आ जाता है, प्लस थीटा, और ये भी क्या दे देंगे, प्लस थीटा गुरुजी। और अगर टेन माइनस थीटा लिखा है तो वहाँ लिख देंगे माइनस टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है सर जी, समझ गए।
लेकिन सर ये वाला कैसे करेंगे बाबू? एक का चीज़ है, ध्यान से रखिए, खोल के देखो, माइनस को हम उठा के बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये सिंपल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है गुरुजी। अगर मैं पूछूं कि कॉज इनवर्स माइनस एक्स का मान कितना होगा, सर जी सेक इनवर्स माइनस एक्स का मान कितना होगा, गुरु जी टैन इनवर्स माइनस एक्स का मान कितना होगा, अगर हम कॉट का दिया होगा तो कॉट को हम टेन में बदल लेंगे, बस तीन ही हम बताऊंगा, ठीक है, लेकिन हम चीन लिख दे रहे हैं भैया। अब जब यहाँ तक पहुँचे गए तो पहुँचा दे, कहा है सर जी दुख दुख कर रहे हैं, नहीं ठीक है। देखो अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, मैंने चीन तीन चीज़ बोला, आप लोग तीन चीज़ हमेशा याद रखेंगे, एक कॉज और एक सेक और एक कॉट, ये एक ऐसी वैल्यू है जो ये माइनस को प्लस कर देती है, लेकिन इस केस में नहीं, इस केस में, ठीक है, अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। कॉज इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स सजी उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सबका माइनस हो जाएगा, कॉट हाँ केवल कॉस सेक और कॉट ही पाई माइनस कॉट इनवर्स ही होते हैं, ठीक है। अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पूछे तो माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। फिर एक केस और देखते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन हमको ऐसा दे देता है कि सर जी अगर हम कह दूं कि साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो ये कट जाते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, थीटा आ जाता है, ये मेरा आंसर हो गया डायरेक्ट। लेकिन सर जी अगर कहीं ऐसा लिखा हो साइन साइन इनवर्स थीटा तो क्या तभी कट जाएगा? हाँ बिल्कुल, तभी भी कितना आएगा, थीटा, एक कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है सर, इतना तो समझ गए। लेकिन सर इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है? जैसे मैंने कहा कि साइन इनवर्स साइन थीटा और कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, इनकी जो वैल्यू होगी सर जी डायरेक्ट थीटा तो आ जाएगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगी, थीटा आ जाएगी, लेकिन जो इसका वैल्यू होता है, ध्यान से देखो किसका किसका, एक कॉज एक सेक और एक कॉट, हमें तीन याद करना, कभी भूलना मत, कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट, तो कॉज सेक और कॉट, ये जो तीन वैल्यू ऐसे हैं जो ये थीटा बिलोंग करता है, जो थीटा वेरी करता है वो जीरो से लेकर पाई के बीच में लाई करता है, जीरो से पाई, यही कारण है कि यहाँ कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो मान होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है, ये तीनों, इन तीनों केस में। सर जी इस ये थीटा कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये थीटा बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, माइनस पाई बाई टू के बीच में, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, ठीक है सर, केवल हमको तीन याद करना है, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, अब दूसरा फार्मूला देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला, ठीक है गुरुजी, ये रिविजन के पर्पज से बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है पाई बाई टू, ध्यान से देखना, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है एक्स एक्स, लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ साइन और यहाँ कॉज रहेगा तभी पाई बाई टू रहेगा, कॉसेक होगा तब नहीं होगा बाबू, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ कि सर जी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है पाई बाई टू, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तीन ही फार्मूला होते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है। तो ये भी फार्मूला मेरा क्लियर हुआ सर जी, ठीक है। अच्छा हम लोग जब छोटे क्लास में थे, मतलब छोटे क्लास में नहीं भैया, 11 और बात कर रहे हैं, 10 उसकी 10-11 में, तो साइन 2 थीटा का जो मान होता था वो होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है गुरु जी। लेकिन अब हम इनवर्स पढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स 2 थीटा क्या लिखूंगा, नहीं इस 2 को आप आगे ले आओगे, तो सर जी ये जस्ट वही चीज यह है, हम लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का पूछा है तो सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ 2 है ना तो यहाँ लिखेंगे 2, साइन थीटा है ना तो साइन थीटा को हमेशा एक्स मानेंगे तो हो जाएगा एक्स, अब ये कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है सर।
अच्छा कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता था? गुरुजी कॉस टू थीटा का फार्मूला दो होते थे, एक टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और गुरुजी एक होता था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता था। ठीक है, अगर इस केस में कॉस टू थीटा का अगर मैं पूछ लूँ कि कॉस इनवर्स में कैसे लिखूंगा, तो दुई कहाँ आ जाता है बाबू, दो आगे आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा। सर जी कॉस के पद में फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स, क्या लिखेंगे टू, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे सर जी, इसको हम साइन इनवर्स लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, बात क्लियर है यहाँ तक सर जी? जी एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखो। अब हम साइन थ्री थीटा चलते हैं, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा। सर जी इसका जो फार्मूला होता था वो होता था थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, बहुत अच्छी बात है। इसका फार्मूला होता था जस्ट इसी का उल्टा, यह हो जाएगा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस, उल्टा चल रहे हैं भैया, थ्री कॉस थीटा। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छी बात है गुरुजी। लेकिन गुरुजी अब हम ये वाला थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं इनवर्स वाला, तो इनवर्स वाले में बताइए। ठीक है, अगर मैं इनवर्स पूछूं तो टैन इनवर्स, अभी मैंने जस्ट बताया जो भी न्यूमेरिकल बोलो हम उसको आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा थ्री टैन इनवर्स थीटा बोलो चाहे एक्स बोलो, ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री टैन इनवर्स एक्स का जो हमारा फार्मूला हो गया, मतलब ये कि टैन थीटा को क्या मान लो एक्स मान लो, ठीक है, टैन थीटा को क्या मान लो एक्स। अगर हम टैन का पूछूं तो सबसे पहले टैन लिखेंगे, अब गुरु जी ठीक है थ्री टैन थीटा, तो मैंने क्या माना है टैन थीटा को एक्स माना है ना, तो यहाँ लिखेंगे थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये थ्री टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला हो गया, सिंपल सी चीज़। अगर मैं पूछ लूँ कि कॉस थ्री कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, मतलब कि कॉस थीटा को आप एक्स मान लो, फार्मूला यही है ना, तो हम कॉज इनवर्स दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे कॉज इनवर्स लिखेंगे, साइन इनवर्स देगा तो सबसे पहले साइन इनवर्स देंगे, टेन देगा तो टेन लिखेंगे, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कॉज इनवर्स, क्या लिखेंगे फोर, एक्स को क्या माने हो कॉज थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, बहुत अच्छी बात है, माइनस थ्री एक्स, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे थ्री साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होगा, साइन इनवर्स, अब तो एक्सपर्ट हो गए ना, क्या मानोगे थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ये हमारा हो गया भैया फार्मूला हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, मिटा दे इसको, ठीक है सर जी मिटा दीजिए। रवाना हूँ, देखो अब क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक, सबसे बढ़िया क्वेश्चन नंबर एक, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर एक है कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई इक्वल टू पाई दिया है, ध्यान से सुनो पाई दिया है, तो कह रहा है सर जी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान कितना होगा, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप हमेशा ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि सर जी साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉज इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो होता है पाई बाई टू, यहाँ एक्स तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है पाई बाई टू, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ कि बाबू अच्छा अगर हम साइन इनवर्स वाई लिख दे ली और कॉज इनवर्स वाई लिख दे ली तो बतिया वाला अलग हो जाएगा, नहीं मैंने क्या कहा ये सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर कितना आता है पाई बाई टू, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे तो ये पूछ रहा है मान इसका दिया है, तो सिंपल सी चीज़ है साइन इनवर्स का मान पूछा है इसका मान दिया है तो साइन इनवर्स का मान निकाल लो भैया, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू, उसको उठा के फेंक दो तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका मान पूछूं तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। अच्छा गुरुजी ये हमको कुछ दिख रहा है, ध्यान से दिखाऊं, ठीक है। देखो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा है तो इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं
कॉज 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बस वही चीज़ें लिखा है। अगर हम अब इनवर्स केस में आ गया, मतलब थीटा बराबर यहाँ ले लिया कॉस इनवर्स वाई। अब देखो बबुआ, तो कॉस इनवर्स वाई अगर रख देंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो यही नहीं आ जाएगा साइन इनवर्स वाई। कैसे बता रहा हूँ देखो, अगर कभी क्वेश्चन लिख दे कि पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स एक्स, तो दिमाग हमारा डायरेक्ट चलना चाहिए कि सर जी ये कुछ ऐसे लिखा है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ जाहिर सी बात होगा टैन थीटा, तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो सर जी बाहर क्या होगा, बाहर यही होगा जो हुआ है, तो कॉज 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अब तो समझ गए होंगे सर जी, बहुत अच्छी बात। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर आ गए तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन के धज्जे उजाड़ सकते हैं। कैसे? अगर सर जी पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स होगा तो क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसे लिखा है 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा, तो क्या हो जाएगा टैन थीटा या टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब तो समझ गए होंगे बाबू, इतना तो लोग तेज हो। देखो क्वेश्चन ये है, अब मैंने साइन इनवर्स एक्स का मान निकाल लिया, साइन इनवर्स एक्स का मान हो गया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्लस इसका भी मान निकाल लिया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पाई बाई टू को जोड़ लिया तो आधा आधा कितना हो गया 2 पाई बाई टू हो गया, बहुत अच्छी बात। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। गुरु जी दो दो कट गया, ये हो गया पाई। अच्छा कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का मान तो दे ले कितना है पाई, पाई में से पाई गया कितना हो गया 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है गुरु जी। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये है एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइन इनवर्स बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया, और 2π/3। सर जी अगर हम डायरेक्ट कोई पूछे कि बाबू साइन 2π/3 का मान कितना होता है, ठीक है, तो कैसे पता होगा गुरुजी? तो पहले ऐसे पता होगा, देखो इसको हम ले सकते हैं 2×180/3 120, कितना आ गया साइन 120 अंश का मान आप लोग निकाल लेंगे। कैसे? साइन 90 प्लस 30, ऐसे करके आप लोग निकाल लेंगे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं लगाएंगे, हम इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन के केस में ऐसे होता था गुरुजी, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो जो हमारा थीटा वेरी करता है बाबू, अभी जस्ट मैंने बताया कॉज सेक और कॉट 0 से पाई होते हैं, और टैन साइन और कॉसेक जो होते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होते हैं, मतलब 90 से लेकर 90 के बीच में होते हैं, ये जो थीटा है। गुड, बहुत अच्छी बात। अच्छा ध्यान से देखो, सकलिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इनका, हाई थीटा दर पे गुरु जी ई है, लेकिन थीटा डिस्टर्ब है, तो थीटा को क्या हम इसके बीच में ला सकते हैं? अगर इसके बीच में लाइक करता है तभी हमारा आंसर आता है थीटा, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। यही केस मैंने यहाँ कर दिया, 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कोई बदलाव नहीं होगा। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अब देखो थीटा का मान क्या पाई बाई थ्री, मतलब क्या 60 डिग्री, क्या इसके बीच में लाई करेगा? जी बिल्कुल करेगा गुरु जी, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री, ये हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जी एक फार्मूला आप तो भुलवा ही गए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, और टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है। हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, हम इसी को लेकर चलते हैं, सबको अगर इसमें दिया तो हम इसी में बदलेंगे, क्योंकि इसका जो फार्मूला सबसे आसान भी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब आएंगे, क्या जरूरी है बदलने में, जहां क्वेश्चन 10 मिनट लगेगा वहीं क्वेश्चन 2 मिनट में लगा देंगे गुरु जी, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला पूछा जाए उसी को पहले लिख दो, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स टैन इनवर्स, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पीछे से ही बता रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस फार्मूला होता है एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ लिखेंगे वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
एक बार इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे तो उसको छोड़ेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई माई प्लस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब यहाँ दो उठू उल्टा कर दो, वन माइनस वाई स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया फार्मूला। अगर यहाँ माइनस लेते तो यहाँ प्लस लेते, यहाँ माइनस लेते तो यहाँ माइनस लेते। सर जी इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर यहाँ माइनस लेते तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, सिंपल सी चीज़ है बस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, देखिए कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो गुरुजी हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो साइन को कॉज बदल दें तो हमारा फार्मूला हो जाएगा कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई, या तो गुरुजी इसको साइन में बदल दिए तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे। लेकिन ये तो आपको फार्मूला लगाने लायक ही नहीं है गुरुजी, तो क्या करेंगे हम, देखो साइन इनवर्स तीन बटे पाँच को हम कितना फार्मूला याद कर पाएंगे गुरुजी, नहीं ना, तो हम बदलना सीख गए। इसको मानो एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इज्कल टू हो जाएगा तीन बटे पाँच। आप लोग तिड़िम तिड़िम जानते हो, ये 90 डिग्री है थीटा, कॉस थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना, कर्ण का मान कितना पाँच। अच्छा जी आधार का मान कितना होगा, तो आधार इस बार बराबर होता है पचपन पच्चीस, तीन त्रिका नौ हो जाएगा, पच्चीस में से नौ हो गया सोलह, सोलह के चार, सोलह में से नौ कितना हो गया सोलह, तो ए बराबर कितना आएगा चार, तो ए का मान कितना आ गया चार, तो कॉस एक्स बराबर क्या होगा आधार, आधार बटे कर्ण चार बटे पाँच। बहुत अच्छी बात गुरु जी, लेकिन अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर x का मान मुझे निकालना हो तो उधर जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स चार बटे पाँच। जरा एक बात बताओ, आप इसको x माने हो तो ये कहना चाहता हूँ कि sin इनवर्स तीन बटे पाँच बराबर x माना हो कि ये दोनों बराबर हैं, x का मान मैंने निकाल लिया कितना आ गया सर जी cos इनवर्स चार बटे पाँच। इसके कहने का मतलब ये होता है कि जितना मान इसका आएगा उतना मान इतना ही आएगा, इसका भी आएगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे अगर इसका मान मान लो 1.2 आया तो इसका भी मान 1.2 ही आएगा। तो साइन इनवर्स को हम बदलना सीख गए हैं, ऐसे टैन में बदलेंगे, कॉट में बदलेंगे, सेम यही प्रोसीजर हम अपनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैंने साइन को बदल दिया, साइन को हम कॉज के पद में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स चार बटे पाँच माइनस कॉस इनवर्स 12 बटे 13। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लिखेंगे, जिसका फार्मूला पूछा जाए सबसे पहले उसी को इनवर्स लिखेंगे, होता है एक्स इंटू वाई मतलब 4 बटे 5 इंटू वाई का मान हो गया 12 बटे 13, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 और 55 25 गुड, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 12 बारह में 144 13 तरह में 169, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कॉज इनवर्स, ये हो जाएगा 12 चौक, देखो कटेगा नहीं ना, कुछ नहीं कटेगा, 12 चौक 48 13 बचे 65 प्लस 25 सेकंड में 25 में से 16 गया 9 तो ये हो जाएगा 9 बटे 25 गुड, 169 और 169 सेकंड में 169 हो गया, ठीक है, और 169 और में से 144 गया तो कितना हो जाता है 25 बटे 169, ठीक है। ये हो जाएगा गुरुजी कॉज इनवर्स 48 बटे 65 प्लस ये हो जाएगा 3 बटे 5 क्योंकि रूट हट गया तब इसका वर्गमूल, ये हो जाएगा 5 बटे 13, बहुत अच्छी बात है गुरुजी। ये हो जाएगा कॉज इनवर्स 48 प्लस क्योंकि 13 पचे 65 हर हर समान में गुड़ा जुड़ जाएंगे तो पांतियाँ 15 बटे 65, बहुत अच्छी बात है। इसको हम लिख देंगे कॉज इनवर्स 48 और 8 5 13 इतने कितना हो जाएगा 63 बटे 65, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये पूरा समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं बाबू, ठीक है, हम गुरुजी बदलना भी सीख गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जी टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इस ऐसा क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन में भी मिल जाएगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तो मिल लेगा गुरुजी। देखो हम जानते हैं गुरुजी कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब अगर 1 को इधर भेज दें तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या तो ऐसे याद करो या तो ऐसे याद करो। सर जी कॉस 2 थीटा का दो दो फार्मूला होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाएंगे प्लस इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो अब आपको मैं ये डायरेक्ट कह सकता हूँ
आप लोग हमेशा ये याद करेंगे कि 1 प्लस कॉस टू थीटा का जो फार्मूला होता है, अगर प्लस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर माइनस होगा, अगर 1 माइनस कॉस टू थीटा है तो माइनस में होता है साइन, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। गुरु जी कैसे हम आउट फार्मूला याद कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, यहाँ जो पूरा एंगल होता है 2 थीटा, जस्ट इसका आधा लिखा जाता है, 2 थीटा का आधा कितना होगा 1 थीटा होगा, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा सजी, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 थीटा। अगर गुरुजी ऐसे होता तब 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तब क्या करते, तो सिंपल सी चीज़ होता है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, ऐसे हम क्वेश्चन लगाते, ठीक है। अब देखो ये है टैन इनवर्स, डायरेक्ट अप कर देंगे सजी, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखो यहाँ थीटा है तो थीटा का आधा कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, बहुत अच्छी बात है, इसका डायरेक्ट फार्मूला हो गया 2, माइनस है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसका आधा होता हो तो हो जाएगा थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कट गया सर जी। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये तो एक लाइन में हो गया सर जी, टैन इनवर्स अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हम ये जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और वर्गमूल हटता है तो हो जाएगा टेन थीटा, तो आई मीन कह सकता हूँ कि टेन इनवर्स बच गया मेरा, टेन थीटा पूरा पूरा कट गया, अर्थात मेरा जो आंसर आया वो कितना आया थीटा बाई 2, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम चले गए मुसाफिर क्यों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैन इनवर्स एक्स इनवर्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/x, बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, एक्स का मान पूछा है, निकाल लेंगे बात तो तुरंत निकाल, एक्सपर्ट हो गया, या तो सर जी इसको कॉट में बदल दीजिए या तो इसको टैन में बदल दीजिए, किस में मायर हम तो भैया टैन में कॉट में बदल दे रहे हैं, इसी से शुरुआत करते, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x इनवर्स, इसको नीचे कर देंगे, बहुत अच्छी बात, कॉट इनवर्स 4/x पूरा पूरा कट गया सर जी, 1/x इनवर्स हो गया 1/4x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा +1, हो जाएगा 4/x, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x²/4, तो x का मान कितना आएगा +-2, ठीक है, तो फर्जी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है 2 tan inverse √b/a, इसका फार्मूला देखो, इसका क्वेश्चन अगर हम tan 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, 2 tan का जितने भी फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 − x², क्या सर ये साइन के पद में भी होता है, जी बिल्कुल होता है, क्योंकि tan की जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो tan का मान tan में भी हो सकता है, साइन में भी हो सकता है और कॉस में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो साइन के पद में क्या होगा, तो हम सबसे पहले साइन इनवर्स लिखेंगे, हो जाएगा 2x/1 + x², सर जी क्या कॉस में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कॉस इनवर्स 1 − x²/1 + x², ये है भैया 2 tan inverse x का फार्मूला होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। आपसे क्वेश्चन दिया है कि 2 tan inverse x, आप चाहो तो इसको tan में तोड़ो, चाहे cos में तोड़ो, चाहे sin में तोड़ो, हम तो उठा के पटक दे रहे हैं भैया, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x, इसी में रख दो, हो जाएगा cos inverse, आप किसी में भी लगा सकते हैं, 2 tan inverse x बराबर होता है cos inverse 1 − x², मतलब √b/a का जब वर्ग करेंगे तो हो जाता है b/a, ठीक है, 1 + x², मतलब इसका जब वर्ग करेंगे √b/a का तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा b/a, ये हो जाएगा cos इनवर्स a − b/a, a + b/a, पूरा पूरा कट गया, अर्थात हमारा जो आंसर आ गया वो a − b/a + b, बहुत अच्छी बात है गुरु जी, ये भी आ गया समझ में। अच्छा जरा आप लोग गौर किए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, गुरु जी अगर कॉट में दिया होगा तब कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप इसको tan में बदल देना, tan इनवर्स 1/x और प्लस tan इनवर्स 1/y, कोई दिक्कत है नहीं है गुरु जी। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, आंसर निकाल लेंगे, बहुत अच्छी बात। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 − x y, ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन हमको कभी ऐसा ही दे दे तो क्या हम इसको ऐसा नहीं ले सकते हैं, अगर
टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, इसका मतलब ये हुआ कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का ये फार्मूला है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, बढ़िया है, फर्जी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि टैन इनवर्स एकदम भुजा की तरह, ए माइनस बी वन प्लस ए बी प्लस टैन इनवर्स बी माइनस सी वन प्लस बी सी, इतना तो घंटी बजी चुका होगा। टैन इनवर्स सी माइनस ए वन प्लस ए सी क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा टैन इनवर्स ए माइनस बी का फार्मूला। टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी का है भैया फार्मूला, ठीक है गुरुजी। टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स सी का फार्मूला है, टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स सी। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस लेते, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस ये हो जाएगा टैन इनवर्स सी माइनस टैन इनवर्स ए, टैन इनवर्स ए टैन इनवर्स बी टैन इनवर्स बी टैन इनवर्स ए टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स सी प्लस टैन इनवर्स सी इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। कोई कहानी नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आपको मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि एक फार्मूला आप लोग जरूर याद करेंगे, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड का। ठीक है, 100% आप इसको याद करेंगे, क्या कैलकुलेशन को आसान कर देगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इसका फार्मूला होता है। क्वेश्चन कभी कभी दे देगा कि टैन इनवर्स वन बाई टू प्लस टैन इनवर्स दो बटे तीन प्लस टैन इनवर्स वन बाई फाइव, इसका मान बताओ। तो हम डायरेक्ट ऐसे वो रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या सर जी कोई और रीजन हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, आप पहले दो को सॉल्व करो, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट टैन इनवर्स ए प्लस बी टू बटे थ्री हो जाएगा, इसे इसे हो जाएगा वन माइनस ए बटे दो इंटू दो बटे तीन प्लस, इसको तो लिखवे करेंगे टैन इनवर्स वन बाई फाइव। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मान लो कुछ ऐसे आएगा टैन इनवर्स छः बटे सेवन प्लस, अब इसको आएगा टैन इनवर्स वन बाई फाइव, अब फिर आप इसको तोड़ लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये इक्वेशन आता है, ये फार्मूला आता है, तो आप एक लाइन में आंसर घुसेड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, हम कर लेंगे अब। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए दे देगा, टैन इनवर्स वन बाई टू प्लस टू टैन इनवर्स दो बटे तीन। अब लड़के कन्फ्यूज, सर जी अब ये दुई कैसे हटाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ टू टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगाएंगे आप ऐसे भी कर देना कि टैन इनवर्स वन बाई टू प्लस टैन इनवर्स दो बटे तीन प्लस टैन इनवर्स दो बटे तीन, बस सिंपल रख दो, उठा के पढ़ दो, आंसर आ गया। कौन जरूरी है टू टैन इनवर्स का फार्मूला लगाने की, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैसे आ गया, देखो ऐसे आया, अगर हम x प्लस एक्स जोड़ते हैं तो कितना आता है, टू एक्स आता है, तो एक टैन इनवर्स दो बटे तीन प्लस एक टैन इनवर्स दो बटे तीन बराबर होता है दो टैन इनवर्स दो बटा तीन, कोई दिक्कत नहीं है गुरु जी। अब तो आ गया क्वेश्चन, ये है कि सर जी टैन इनवर्स एक्स लो मिली भी गया, तो टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड का मान दिया है पाई बाई टू। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना होगा। देखो एक लाइन में हम लगा रहे हैं बाबू, हम लिखेंगे डायरेक्ट टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू होता है पाई बाई टू, दिया है ना पाई बाई टू दिया है गुरुजी। तो टैन को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू टैन पाई बाई टू, और टैन पाई बाई टू का मान होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को हम एक बटा जीरो लिखेंगे ना जी गुरुजी, बिल्कुल लिखेंगे। तो इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू एक बटा जीरो। अब जीरो को गुणा करेंगे तो भूसुक का पूरा जीरो हो जाएगा, और इसके गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, तो इसका गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू एक। हाई सबको उठा उधर या फेंक दो उठा के बाबू जीरो, क्योंकि जीरो गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाता है जीरो, यहाँ माइनस एक्स वाई जेड है इधर जीरो हो गया, ये सबको माइनस से उठा के फेंक दो तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड का मान कितना बचा एक, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है,
साइन इनवर्स कॉज इनवर्स सब कुछ बचा नहीं है। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।